सर्विस के हम पीवीआर से क्वेश्चन सॉल्व करें, और आज हम सॉल्व करेंगे आईएसएस 2018 स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 सेट ए क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है, इफ यू 10 इक्वल टू 9, यू 20 इक्वल टू 39, यू 30 इक्वल टू 74, यू 40 इक्वल टू 160, यू 50 इक्वल टू 167। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ शिव ऑपरेटर 3/2 यू 10। ठीक है, अबे हमें ये निकालना है। ठीक है, तो जल्दी देखते हैं। तो देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शिव ऑपरेटर 3/2 यू 10। ठीक है, हम यहां पे यू 10 को एफएक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए शिव ऑपरेटर 3/2 एफएक्स आ गया। तो देखिए हम अभी शिव ऑपरेटर का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए शिव ऑपरेटर एफएक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच, एच क्या है, डिफरेंस है। वैसे अगर शिव ऑपरेटर स्क्वायर होगा एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस 2h। वैसे अगर शिव ऑपरेटर फ्रैक्शन में होगा 3/2 y f x, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, यहां पे होगा एफ एक्स प्लस 3/2 h। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए x क्या है, x का वैल्यू है 10। ठीक है, और h का वैल्यू क्या है, यहां पे देखिए 10 20 30 40 50। ठीक है, 10 का तो इंक्रीज हो रहा है, तो एज का वैल्यू हो गया 10। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस 3/2 एज होगा, मतलब एफ एक्स के लिए क्या होगा, एक्स के लिए 10 होगा, प्लस 3/2 इंटू 10, मतलब एफ 10 प्लस 15, मतलब हमें एफ 25 का वैल्यू जो है वो हमें निकालने के लिए कहा गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यू 25। देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिए, यू जो 25 है वो ये सबके मिडिल में है, मतलब यहां पे 10 से लेके 50 तक दिया हुआ है, वो एकदम मिडिल पॉइंट पे है। तो यहां पे हम सेंट्रल, मतलब सेंट्रल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है उसे यूज करना पड़ेगा। अब देखिए सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला के लिए दो फॉर्मूला बहुत ही मतलब यूज किया जाता है नॉर्मली, एक है स्ट्रिंग फॉर्मूला, एक है बिसर फॉर्मूला। हम यहां पे स्ट्रिंग फॉर्मूला यूज करेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मूला भी दो फॉर्मूला से आता है, एक आता है मतलब दो फॉर्मूला के समेशन से वो आता है। वो दो फॉर्मूला कौन सा है, न्यूटन ग्रॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, न्यूटन ग्रॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। तो हम पहले न्यूटन ग्रॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला देखेंगे, इसके बाद न्यूटन ग्रॉस बैकवर्ड फॉर्मूला देखेंगे, इसके बाद हम उस दो फॉर्मूला से कैसे हम स्ट्रिंग फॉर्मूला आते हैं आपको वो समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप एग्जाम हॉल में कर नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए हम वो देखते हैं। तो देखिए हमें एफ 25 मतलब यू 25 निकालना है, हमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो स्ट्रिंग फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वो स्ट्रिंग फॉर्मूला कहां से आ रहा है, वो फॉर्मूला दो फॉर्मूला से आ रहा है, एक आ रहा है न्यूटन ग्रॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला और न्यूटन ग्रॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। तो हम पहले वो फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए फॉर्मूला कैसे आ रहा है, एफ ए एच यू, ठीक है, इक्वल टू वाई नॉट प्लस u बाय 1 फैक्टोरियल, फॉरवर्ड डिफरेंस y नॉट दो होगा, इसके बाद देखिए u u माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस यहां पे होगा y इनवर्स, यहां पे देखिए दो, इसके बाद देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा u प्लस 1 u u माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल। यहां पे देखिए दो दो का मतलब यहां पे थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, यहां पर भी वाई इनवर्स होगा। ठीक है, दो हो गया, इसके बाद देखिए दोबारा यहां पे देखिए वाई यू प्लस 1 यू यू माइनस 1 यू माइनस 2 बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पे क्या होगा, दोबारा एक बढ़ जाएगा, यहां पे पावर 4 यू वाई माइनस 2। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला आ रहा है, ये हो गया न्यूटन गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला। इसका हम बैकवर्ड फॉर्मूला देखेंगे। देखिए अभी हम क्या देखेंगे, न्यूटन गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। स्टार्टिंग क्या होगा, वाई नॉट प्लस यू बाय 1 फैक्टोरियल, या फिर फॉरवर्ड डिफरेंस वाई इनवर्स। ठीक है, देखिए एक यहां पे, इसके बाद देखिए यू प्लस 1 यू बाय
टू, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस वाई वन. देखिए यहां पे वाई वन से शुरू है, इसके बाद दो दो करके होगा, ठीक है. इसके बाद देखिए यहां पे देखिए u प्लस वन u माइनस वन बाय थ्री फैक्टोरियल फॉरवर्ड डिफरेंस थर्ड ऑर्डर. यहां पे देखिए दो हो गया तो अभी एक बढ़ जाएगा, ठीक है. वैसे ही अगर हम यहां पे प्लस करेंगे तो देखिए यहां पे क्या होगा, u प्लस टू u प्लस वन u माइनस वन बाय फोर फैक्टोरियल, ठीक है. यहां पे देखिए दो 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 यहां पर होगा पावर फोर वाई माइनस टू, ठीक है. यहां पे देखिए आप अगर दोनों को मतलब सिमिलरली देखेंगे तो ये याद करना उतना मुश्किल नहीं है. अभी जो फॉर्मूला हम ला रहे हैं वो कैसे आएगा वो देखते हैं, ठीक है. वो आएगा स्ट्रिंग फॉर्मूला. देखिए स्ट्रिंग फॉर्मूला कैसे आ रहा है, स्ट्रिंग फॉर्मूला इसका वन इसका सम और इन दोनों का सम मतलब वन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, टू से डिवाइड करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है. तो आपके लिए फॉर्मूला लिख देंगे. देखिए y नॉट यहां पे दो y नॉट है, दोनों को प्लस करेंगे टू से डिवाइड करेंगे तो हमें यहां पे y नॉट ही मिलेगा, ठीक है. y नॉट आ गया. अब देखिए यहां पे देखिए u1 u u है वो तो सब सेम है, तो यहां पे u होगा u बाई टू, यहां पे कोई चेंजेस नहीं होगा. पर चेंजेस क्या होगा, ये जो दोनों है वो डिफरेंट है तो इनका हम प्लस में रखेंगे, ठीक है. तो क्या होगा, प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस y नॉट प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस y माइनस वन, ठीक है, ठीक है. तो देखिए इन दोनों में सम किए. अभी देखिए यहां पे देखिए जो ये टर्म है वो दोनों में सेम है, तो ये जो टर्म है वो सेम हो गया. तो हम यहां पे पहले इसको लिख देते सिग्नल डिफरेंस y माइनस वन. अब ये जो दोनों है वो दोनों डिफरेंट है तो हमें ये लिखना है. तो देखिए ये यहां पे u u इंटू यू माइनस वन और यहां पे u प्लस वन इंटू यू, तो उसको अगर हम करेंगे यहां पे सिंपलीफाई करेंगे तो u u स्क्वायर माइनस u, ठीक है. और यहां पे क्या मिलेगा हमें, प्लस में मिलेगा u स्क्वायर प्लस u, ठीक है. यहां पर भी बाई टू है, यहां पर भी बाई टू है, तो दोनों के नीचे बाई टू हो जाएगा. तो देखिए u और u कट जाएगा, तो देखिए यहां पे u स्क्वायर टू u स्क्वायर मिल गया. तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, यहां पे मिलेगा u स्क्वायर बाय टू. देखिए अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ए टर्म है. देखिए यहां पे ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है. पर ये जो दो टर्म है ये सेम है तो हम इनमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ये जैसे हम वैसे ही रख देंगे. तो यहां पे क्या होगा, थर्ड ऑर्डर फैक्टोरियल था तो वो वैसे ही रहा. यहां पे देखिए u और u प्लस वन u माइनस वन, तो यहां पे तो u बैठ गया इंटू यू स्क्वायर माइनस वन. क्यों, ए प्लस वन ए माइनस वन मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी उसका फॉर्मूला है, तो हम इसको वैसे लिख दिए, ठीक है. और यहां पे इन दोनों को सम करके टू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है. इसके बाद देखिए इसके बाद ऐसे ही हम इन दोनों को भी प्लस करके, यहां पे जगह नहीं है तो ये टर्म नहीं करे, आप ऐसे ही इसको प्लस करके हम ये वाला भी हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है. तो ऐसे क्या आता है, ऐसे फॉर्मूला आता है. एग्जाम हॉल में आपको ये फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, आप टेबल बनाइए, फॉर्मूला यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है. हम यहां पे वही करेंगे, हम यहां पे आपको ये दोनों फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कैसे आया हम इसलिए दिखाए ताकि आपको समझ में आए कि फॉर्मूला कहां से आ रहा है, कैसे हम यूज करें, ठीक है. पर एग्जाम हॉल में आप क्या करेंगे, आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, टेबल बनाएंगे, हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हम अभी टेबल बनाएंगे, ठीक है. तो चलिए टेबल देखते हैं. तो देखिए हम ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इफ 25, ठीक है. तो देखिए हम यहां पे वाई नॉट जो है वो इसको लेंगे वाई नॉट, ठीक है. तो ये हो गया हमारा वाई इनवर्स, ए वाई टू इनवर्स, ठीक है, ये वाई वन ए वाई टू, ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड डिफरेंस करते हैं, ठीक है. तो देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स होगा, तो हम इसको निकाल लेंगे. तो देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस में हमें पता है कि यहां पे हमेशा ऊपर का ज्यादा रखता है, तो यहां पे ये हो गया, तो ये क्या होगा 30. तो हम आपके लिए कंप्लीट टेबल कंप्लीट कर देंगे. तो देखिए ये टेबल कंप्लीट हो गया. इसके बाद क्या है, इसके बाद है सिग्नल डिफरेंस, ठीक है. इसको भी हम सिमिलर से निकालेंगे.
तो देखिए यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंस ऊपर का वाला बैठेगा तो y 2 इनवर्स माइनस करेंगे तो 5, ठीक है, यहाँ पे इनवर्स y इनवर्स यहाँ पे करेंगे तो 7, और सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो होगा 9, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस y 2, क्यों, क्योंकि ऊपर का वाला बैठता है तो यहां पे माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, और यहां पे y इनवर्स इसको करेंगे तो 2 मिलेगा। तो ये हो गया। अभी हम जो फॉर्मूला निकाले थे हम उसको लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए हमने आपके लिए जो फॉर्मूला है वो यहां पे लिख दिया, ठीक है। आप हमेशा याद रखेंगे ये जो है ये सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला है, तो यहां पे हमेशा जो मिडिल ये होगा हम उसी को y नॉट लेंगे। आप चेंज मत कीजिएगा, जो मिडिल पॉइंट है आप उसी को हमेशा y नॉट चूज कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अभी यहां पे देखिए हमारे पास यहां पे जो a गिवन है वो a जो है वो 30 है, ठीक है, और h कितना है, h है 10, हमें u निकालना है। हमें देखिए हमें पता है a प्लस यू एच इक्वल टू क्या पता है, यहां पे 25 है क्योंकि हमें 25 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये एक है, एक का वैल्यू है 30, ठीक है, एच का वैल्यू क्या है 10, यू इक्वल टू 25, ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 यू इक्वल टू माइनस 5 और यू इक्वल टू माइनस 0.5, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मूला में बैठाते हैं, एफ 25 इक्वल टू क्या होगा, पहले देखिए y नॉट, y नॉट का वैल्यू क्या है, y का 74 है, 74 प्लस अभी देखिए u, u का वैल्यू क्या है माइनस 0.5, तो हम यहां पे लिख देंगे माइनस 0.5, ठीक है, माइनस 0.5 हो गया, इंटू क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस y नॉट, फॉरवर्ड डिफरेंस y नॉट का वैल्यू क्या है 42, ठीक है, प्लस फॉर डिफरेंस y इनवर्स वो क्या है 35 बाय 2, ठीक है, प्लस u स्क्वायर बाय 2, तो मतलब यहां पे क्या होगा 0.5 स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और यहां पे क्या है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस y इनवर्स वो है 7, तो यहां पे इंटू 7, ठीक है, प्लस u मतलब माइनस 0.5 यहां पे है माइनस 0.5 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पे माइनस देने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे है थर्ड ऑर्डर डिफरेंस y इनवर्स वो है 2 प्लस 2 बाय 2, ठीक है। हम इसको सिंपलीफाई कर देंगे आपके लिए, तो देखिए हमने आपके लिए कैलकुलेटर करके लिख दिया, तो हमें आंसर क्या मिला, हमें आंसर मिला सी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था हमें ये पता करना कि हमें एफ 25 वैल्यू निकालना है, ठीक है, हमें एफ 25 निकालना है और कौन से फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहा तो आप आराम से इसे कर सकते हैं, पर ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप इसको मतलब इसके ऊपर और थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो इसका जो कन्फ्यूजन है वो चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है जिसमें चाहते हैं हम आपको हेल्प करें आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपकी डाउट क्लियर करने की या आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे में सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इसको फेसबुक देखें तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।